भाई ईद की नमाज मैं आपको दिखाता हूँ इधर अज़हा की सऊदी अरब से। तो ये आपको भाई इसलिए थोड़ा लाइव दिखाऊंगा क्योंकि उन लोगों के लिए जो सोशल मीडिया पर ये बोल रहे थे कि इस ईद पर भी कर्फ्यू होगा, तो उनको भाई मैं लाइव दिखा देता हूँ अभी इस ईद पर क्या कर्फ्यू था या ईद अज़हा की नमाज कैसे पढ़ी गई है। सऊदी अरब के शहर अलवज से भाई मैं लाइव हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम अलैकुम जी। ईद मुबारक सबसे पहले आप सब भाइयों को, खारजी भाइयों को, परदेसी भाइयों को जो सऊदी अरब में खासकर मुकीम है जी। तो पाकिस्तान वाले तो जाहिर सी बात है कल ईद मनाएंगे जी। तो अभी मैं आपको दिखा दूं मस्जिद में लाइव हूं भाई मैं आपके साथ। तो ईद की नमाज़ के साथ आपके साथ मैं लाइव हूं, आपको दिखाता हूं ईद प्रेयर, ईद अज़हा, कुर्बानी की ईद, बड़ी ईद की ईद नमाज। अभी मस्जिद के अंदर जगह है लेकिन अंदर तो नहीं हम जाएंगे, मैं बाहर ही बैठूंगा, वीडियो शीडियो बाहर से अच्छी बन जाएगी। तो अभी 6 बजे का टाइम दिया गया है, 6 बजे ईद की नमाज़ पढ़ी जाएगी, लेकिन अभी 6 तो नहीं बजे हैं, तो 5:30 से ऊपर का टाइम गालबन हो गया है। तो चलते हैं जी आपके साथ हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ आपको लाइव। गाड़ियों के देखने लाइनें लग गई, रश लग गया है। तो अभी तो बाहर भी दुनिया आ रही है बैठने के लिए। तो नमाज माशाल्लाह अभी होने के करीब ही है, बस 5-10 मिनट ही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद नमाज पढ़ी जा चुकी है जी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मास्क, जा नमाज और बस ये सेफ्टी है। लेकिन एक दूसरे को आप जफ्फी नहीं डाल सकते हैं, भी एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक नहीं बोल सकते हैं। तो बस ये है, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं बस। बाकी ईद नमाज, ईद अज़हा की नमाज भाई मसाजिद में पढ़ी जा चुकी है। तो आपको मैंने लाइव दिखा दिया है और ये लाइव इसीलिए आपको दिखाया है कि जो लोग बोल रहे थे कि ईद पर भी कर्फ्यू होगा, तो उनके लिए स्पेशल है जी। देख लें जी, अभी ईद नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने मसाजिद में पढ़ी है, रश भी मैंने आपको दिखा दिया, रश किधर किस कदर लगा हुआ है मस्जिद में।